हाँ सही वीडियो पर क्लिक किया है आपने। नेचर को बचाना चाहते हैं और एनवायरनमेंट में अपनी हेल्प देना चाहते हैं, तो बने रहिएगा मेरी वीडियो के साथ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरे पास बैग था एक कॉटन का और इस पे पहले से ही कुछ प्रिंट था, लेकिन मैंने इसको वाइट कलर से प्रिंट किया है वापस से एक्रेलिक कलर से और ड्रॉ कर लिया है एक लेडी फेस। आप कोई भी फेस ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए पॉलिथीन बंद हो चुकी है और हमारा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी हेल्प करें नेचर की, एनवायरनमेंट की। तो इनडायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। आप पॉलिथीन बैग्स को शॉपिंग के लिए यूज़ ना कीजिए और हो सके तो दूसरों को भी मना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ हमने इस बैग को अच्छे से ड्रॉ करके और ब्लैक कलर से इस फेस को आउटलाइन कर लिया है ताकि अच्छे से शो हो सके कि हमने कहाँ कौन सा कलर करना है। मैंने यूज़ किए हैं एक्रेलिक कलर, आप चाहें तो कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, फैब्रिक कलर, एक्रेलिक कलर, ठीक है। और ये देखिए फैब्रिक पे फैब्रिका कलर हैं जो कैमल के, मैंने वो यूज़ किए हैं। आप फैब्रिकल के आप चाहे कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए कोई स्पेशल वो नहीं है। आप तो यहाँ मैंने ड्रॉ कर लिया है इसको और उसके बाद आउटलाइन की है। बिल्कुल क्लीन तरीके से आउटलाइन कीजिए। आपको थोड़ा सा रफ़ दिख रहा होगा, एक्चुअली ये कपड़ा ही रफ़ है, कॉटन का थोड़ा सा हार्ड मैटी में है, ठीक है। आप कोई भी चाहे तो पुराने कपड़ों से भी बैग बनाकर और फिर उसको कलर कीजिए, प्रिंट कीजिए, अच्छे से सजाइए और निकल जाइए शॉपिंग पर। तो पॉलीथीन बैग से तो काफ़ी अच्छे लगते हैं ये बैग और बहुत अच्छे से सामान को कैरी करते हैं। तो देखिए एनवायरनमेंट बचाकर हम नेचर की हेल्प नहीं कर रहे, नेचर हमारी हेल्प करता है। तो एनवायरनमेंट की हेल्प कर हम एक तरह से इनडायरेक्टली अपनी ही हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये इसके बालों का जूड़ा है और यहाँ पर ब्लैक कलर करना है, लेकिन पहले हम फेस पर कलर कर देते हैं। स्किन कलर मैंने इसमें कर लिया है, आप स्किन कलर बना बनाया भी ले सकते हैं, अगर चाहें तो मिला सकते हैं कर बना सकते हैं। बनाएंगे कैसे स्किन कलर को, आप येलो कलर लीजिए, हल्का सा टच दीजिए रेड का और उसमें वाइट मिला लीजिए, और टोन जो डार्क और लाइट है वो आप रेड कलर के कम या ज़्यादा मिलाने से कर सकते हैं। यानी अगर आपको डार्क टोन चाहिए तो रेड कलर थोड़ा ज़्यादा मिला लीजिए और अगर लाइट टोन चाहिए तो कम मिला लीजिए, ठीक है। हमारा स्किन कलर तैयार हो गया, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट ऑरेंज कलर में भी वाइट कलर मिला सकते हैं हल्का सा येलो टच देकर, ठीक है। ये हमारा स्किन कलर तैयार है। तो इसको मैंने रेडीमेड लिया है, ये बना बनाया है शेड मेरे पास, तो मैंने यहाँ पर स्किन कलर इसके फेस में कर लिया है। ये देखिए मैं आपको जो कलर्स और टोन्स की टाइपिंग बता रही हूँ, ये मैं बता रही हूँ अपने जो मैंने इस पर ड्रॉ किया है लेडी फेस। लेकिन अगर आप और भी कुछ और ड्रॉ कर रहे हैं या कुछ और पेंट करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कलर कीजिए। अगर आप फ्लावर्स बना रहे हैं तो डिफरेंट कलर यूज़ कीजिए। एनी अदर कोई भी आप पैटर्न बना रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग ही कलर कीजिए, लेकिन एक्रेलिक फैब्रिक कलर बेस्ट होते हैं तो आप इन्हें ही यूज़ कीजिए। ये मेरा स्किन कलर हो गया है। यहाँ मैंने वाइट से हल्का सा गालों में और चिन पर और फॉरहेड पर थोड़ा सा लाइटिंग दी है ताकि एक फेस में डेप्थ आ चुके आ जाए फीचर्स में, ठीक है। ये देखिए नोज़ पर दिया है हल्का सा, ये देखिए जब हम इस पर वाइट कलर यूज़ कर रहे हैं हाईलाइट के लिए तो चेहरा बिल्कुल उठकर आता है, ठीक है। वीडियो थोड़ी ब्लर है, सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी और अच्छे से बन सके। तो इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और ये सब कर आप मुझे मोटिवेट करेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो को और अच्छा बनाने और कुछ नया लाने के लिए, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, क्या कमी लगी, वो भी आप मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं और कोई क्वेरीज़ हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। यहाँ हम दोनों तरफ जो इसके हेयर स्टाइल है उसके ऊपर फ्लावर्स की जो ड्राइंग है उसके लिए हम येलो कलर कर रहे हैं बेस के लिए। येलो और ब्राउन का मैंने यूज़ किया है जो फ्लावर का शेप है उसको निकालने के लिए, लेकिन जब हम हाईलाइट करेंगे तो वो हम फ्लावर बनाएंगे वाइट कलर से,
ठीक है, आप पिंक कलर भी बना सकते हैं, रेड भी बना सकते हैं फ्लावर्स, आप जो मन चाहे वैसे ही कलर के फ्लावर्स बना सकते हैं। ठीक है, वीडियो को आप सेव भी कर सकते हैं बाद में देखने के लिए। कंप्लीट वीडियो देखिए ताकि आपको शुरू से लास्ट तक समझ में आए। देखिए, कोई भी सिंपल चीज़ को आप अपने आर्ट से डेकोरेट करके उसे स्पेशल बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ सिंपल एक वाइट बैग को बनाया है स्पेशल, तो कहीं भी आप शॉपिंग करने जाएंगे तो आप सेंटर ऑफ हाइलाइट्स होंगे कि अरे ये बैग कहाँ मिलता है, ये तो यहाँ नहीं मिलता है। ठीक है ना, पेंटिंग को ज़्यादा स्मूथ और क्लियर बनाने के लिए आप बेस कोट जरूर कीजिए। बेस कोट से कलर बहुत अच्छे से निकल के आएंगे, जैसे मैंने मेरे इस बैग में किया है। वैसे मैंने इसमें 2-3 बार कोट की है, क्योंकि नीचे जो कुछ बना हुआ था बैग में वो काफ़ी डार्क कलर का था, और उसको छुपाने के लिए मैंने पहले लाइट, फिर डार्क और फिर लाइट कलर की कोटिंग की है, तो बेस बन गया है। आप ज़रूर किसी न किसी बैग पर बनाइए, और मुझे आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर भी भेज सकते हैं, जोधा राजपूत आर्ट से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, और वहाँ पर आप अपने जो भी बैग बनाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक दे दूँगी। ठीक है, तो यहाँ हमने बेस किया है फ्लावर्स का और फेस का, और यहाँ मैं लिप्स का बेस कर रही हूँ। तो स्टार्टिंग में हम हल्का हल्का बेस ही करेंगे ताकि जब हम सेकेंड कोट से डेकोरेट करें तो एक फिनिशिंग आ जाती है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि मैं बार बार जो ब्लैक कलर है वो मैंने यहाँ वहाँ सर पे और हेयर स्टाइल में लगा दी, वो मैंने इसलिए लगाया कि आप ब्लैक कलर को जब भी वॉश करते हैं ब्रश को, ब्लैक कलर के ब्रश को, तो पानी को सारा ख़राब कर देता है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि एक्स्ट्रा जो ब्लैक कलर है वो मैं इसके सिर के हिस्से पर ही क्लीन कर रही हूँ, ताकि कलर भी वेस्ट ना हो और आपका ब्रश भी जल्दी क्लीन हो जाए। ठीक है, तो पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है आर्ट के स्टूडेंट्स के लिए, या फिर एक आर्टिस्ट के लिए बहुत पेशेंस चाहिए होता है, लेकिन प्रैक्टिस भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ भी बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप अपना ही ओरिजिनल बनाएं, आप कहीं से देखकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस आपके हाथ से होनी है, आप चाहे कुछ भी देखकर बना रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस तो आप ही कर रहे हैं, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो ये नहीं है कि आप कहीं से कुछ देखकर बना रहे हैं तो वो नकल है, ऐसा नहीं है। ऐसा करने से आपका जो आर्ट में हाथ है वो बहुत साफ़ होगा। कुछ भी मिलता है बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। सो ये देखिए, धीरे धीरे करके आपको ये एक फेस निकलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो जो हम इसमें कलर भरते जाएंगे ये कंप्लीट होता जाएगा। यहाँ मैंने बना लिया है इसके लिए एक नोज पिन। आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे हम इसमें कलर भरते जा रहे हैं, इसमें अलग ही रंग आ रहा है, एक अलग ही लुक आ रहा है। नोज पिन बना दिए हमने, ऑरेंज कलर के नोज पिन बनाई है हमने, और रेड बाउंड्री करके, और उसमें वाइट मोतियों का हम
फिल कर देंगे। एक आर्टिस्ट अपने आर्ट से कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता, उसे हर बार ये लगता है कि नहीं थोड़ी सी कमी और है, थोड़ी सी कमी और है। तो बनाते जाइए और अपनी आर्ट को सुधारते जाइए। ये यहाँ पर मैंने वाइट कलर से फ्लावर बनाए हैं, तो ये बहुत ही देखिए कितने प्यारे निकल के आए हैं। फिनिशिंग है जो मैंने वाइट से की है, आप बाद में भी थोड़ा सा पिंक या ब्राउन कलर यूज़ करके शेप बना सकते हैं इन फ्लावर्स की। वाइट कलर करने के बाद जो पीछे का हेयर स्टाइल है इनका, जो जोड़ा है दोनों तरफ से, उसको हमने ब्लैक कलर से फिल करना है। ये देखिए हम ब्लैक कलर से फिल कर रहे हैं। ये जो लेडी फेस मैंने बनाया है, आप इसकी जगह कुछ और भी बना रहे हैं, कोई भी आप कार्टून कैरेक्टर्स भी बना सकते हैं, है ना, आप नेचर से रिलेटेड भी कुछ बना सकते हैं, है ना, इंडियन आर्ट्स, राजस्थानी आर्ट, कुछ भी आप बना सकते हैं, एनीथिंग यू वांट। ब्लैक कलर से हमने इसके बालों को फिल कर दिया है ब्लैक कलर, ये देखिए। अब शायद आपको पूरी तरह से ये लुक नज़र आ रहा होगा। धीरे धीरे ये और भी अच्छा लगता जाएगा। ये देखिए बहुत ही सुंदर निकल के आया है। हल्का सा एक साड़ी का हिस्सा दिख रहा है इसके गर्दन से नीचे, तो अब हम इसको फिल कर लेंगे। ये पिंक कलर से मैंने इसको फिल किया है और गले में इसके एक नेकलेस बनाया है, पिंक कलर का ही नेकलेस है ये। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एक्रेलिक कलर यूज़ करते वक्त आप पानी का यूज़ ना ही करें, और अगर करना भी पड़ जाए कि अगर आपको लगता है कि कलर थिक है तो मीडियम का यूज़ करें, और ब्रश को जब वॉश करें तो उसके बाद एक कॉटन के क्लॉथ से अच्छे से साफ़ कर लें, ड्राई कर लें, क्योंकि जितना आप पानी का कम यूज़ करेंगे उतने ही आपके कलर ज़्यादा दिनों तक चलेंगे, स्टे रहेंगे। और एक चीज़ आपको करनी है कि पेंटिंग बनने के बाद, सुखाने के बाद एक कॉटन कपड़ा ऊपर रखकर और प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके कलर बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगे और वॉश करने से भी नहीं जाएंगे। ठीक है, ये एक टिप है जो मैंने आपको दे दिया है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आप शुरू से लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको जो टिप्स मिल रहे हैं बीच में कहीं वो आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए वीडियो को स्किप ना कीजिए, शुरू से लास्ट तक देखिए, तो आपको बेनिफिट होगा ना, कहीं कोई एक चीज़ आपसे शायद छूट जाए और आपको उसका अफसोस रहे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो को अच्छे से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। और बैकग्राउंड के लिए हमने यूज़ किया है पर्पल कलर, लेकिन पर्पल कलर हम पूरा नहीं करेंगे, कहीं कहीं वाइट का भी यूज़ करेंगे, लाइट एंड डार्क के अकॉर्डिंग। हल्का सा मैंने ऊपर ब्लैक कलर के पास वाइट का यूज़ किया है, लेकिन जो वाइट फ्लावर है उसके पास हम डार्क पर्पल का यूज़ करेंगे, ना वाइट हम यूज़ नहीं करेंगे। तो ये देखिए धीरे धीरे बनकर तैयार हो गई है। अब खाली जगह पर भी आप जो स्पेस देख रहे हैं, ये खाली, इसके चारों तरफ, इस पर भी हम कुछ लीव्स बनाएंगे वाइट ब्लू एंड ग्रीन कलर से, क्योंकि ये थोड़ा सा बैलेंस नहीं हो रहा है, लेकिन आप अपने जो प्रिंट है उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं कुछ भी। यहाँ हल्का सा मुझे दिख रहा है कि बैलेंस नहीं हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर लीव बनानी है,
वाइट ब्लू एंड ग्रीन कलर से मैं बना देती हूँ। पहले हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये इसकी ड्रेस का कुछ हिस्सा है, ये हमने कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, तो हो गए ना आप एनवायरनमेंट को सेव करने वाले। कॉटन बैग का यूज़ कीजिए और शॉपिंग कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे की वीडियो आप देख सकें और मेरे चैनल को इम्प्रूव करने के लिए आप मुझे मोटिवेट करेंगे एक लाइक से, ठीक है। आप कितनी भी वीडियोस देख लीजिए लेकिन जो आर्ट वीडियो हैं वो आपको बोर नहीं करती हैं और लास्ट में आपको जो रिज़ल्ट मिलता है उसमें आपको चीज़ मिलती है जो आप बनाते हैं अपनी मेहनत से, ठीक है। तो आप मेरी पहले की वीडियो भी देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बाकी वीडियोस जो मैंने पहले डाली हैं वो भी देख सकते हैं आप। तो कैसा लगा आपको बैग कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा। अच्छा नहीं भी लगा हो तो भी बताइएगा प्लीज़। ये मैंने लीव बना दी है जो ब्लैंक स्पेस लेफ्ट हो गया था, तो ये बैलेंस बन जाएगा। ये हमने वाइट ब्लू और ग्रीन से लीव्स बनाई हैं कुछ।